What's up everyone? Welcome back to the channel. So guys, this is day 9 और आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. इस रिवीजन सीरीज के अंदर हमारा बिजनेस स्टडीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. बिजनेस स्टडीज के भी बस दो ही चैप्टर्स बचे हैं और अकाउंट्स में भी मैंने आपको मेजरली सारे चैप्टर्स रिवाइज कर दिए हैं. आज जो हम रिवीजन करेंगे उसमें होने वाली हैं BRS के क्लिप्स, BRS के वीडियोस, BRS के क्वेश्चंस. तो आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बेसिक्स अलोंग विद जो जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बहुत ध्यान से रिवाइज करने हैं और जाके अपनी बुक से एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. एक एक बेसिक अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और इस चैप्टर को भी स्ट्रांग बनाएंगे. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. सबसे पहले ये समझते हैं कि BRS का मतलब क्या होता है. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. हमें बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन करना है, यानी हमें रिकंसाइल करना है. सर, रिकंसाइल का क्या मतलब होता है? रिकंसाइल का मतलब होता है बेटा जी मैच करना है. सर, किसको मैच करना है? हमें मैच करना है कि जो मेरे हिसाब से मेरे बैंक में बैलेंस है, क्या वो बैंक के हिसाब से भी है? देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक में पैसा जमा करा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा 1,000 रुपये. तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास कैश बुक में प्लस करूँगा 1,000. मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूँगा बैंक कॉलम में. कैश बुक में कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में. इस चैप्टर का कैश कॉलम से कोई भी लेना देना नहीं है, हम बैंक की बात कर रहे हैं. तो बैंक कॉलम में अपने पास मैं प्लस करूंगा 1,000 रुपये कैश बुक में. ठीक है, ये तो मैं करूंगा. सिमिलरली बैंक भी अपने पास ये 1,000 रुपये प्लस करेगा कि मेरे अकाउंट में 1,000 आ गए हैं. बैंक भी प्लस करेगा 1,000, लेकिन बैंक कहाँ पर रिकॉर्ड करता है? पासबुक में. सर, पासबुक क्या होती है? पासबुक एक बुक है जो आप बैंक से जाके ले सकते हो. आपको एक बैंक जब भी आप अकाउंट खुलाते हो तो बुकलेट देता है, वो आप जाके प्रिंट कराते हो मशीन से बैंक में, तो उसको बोलते हैं पासबुक. पासबुक क्या है? पासबुक एक रिकॉर्ड है मेरे अकाउंट के बैलेंस का जो बैंक रख रहा है, और मेरे अकाउंट के बैलेंस का रिकॉर्ड जो मैं रख रहा हूँ वो कैश बुक है. तो अगर मैं 1,000 जमा करा रहा हूँ तो इधर भी 1,000 दिखने चाहिए, इधर भी 1,000 दिखने चाहिए. अगर मैं 50 निकाल रहा हूँ तो यहाँ से भी 50 माइनस होने चाहिए, यहाँ से भी 50 माइनस होने चाहिए. कई बार ये दोनों मैच नहीं कर रहे होते ड्यू टू सम रीजंस मैं आपको भी सिखाऊंगा. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये मैच नहीं करेगी तो या तो मैंने कुछ गलती करी है इसमें या फिर बैंक ने कुछ गलती करी है इसमें. तो हमें बेसिकली इन दोनों को मैच करना है. इनको मैच करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. ठीक है, अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पर्पज क्या है? दिस इज प्रिपेयर्ड टू मैच और टू रिकंसाइल. क्या रिकंसाइल करना है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट बनाई जाती है दो बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए. एक तो बैलेंस एज पर कैश बुक और एक बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, अब इसका एक रूल लिखो. बेसिकली ये तो पहला हो गया. दूसरा पॉइंट, अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में बेटा जी डेबिट साइड प्लस साइड होती है, क्रेडिट साइड माइनस साइड होती है. ये याद रखना, कैश बुक में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है. और पासबुक में डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है. इसका मतलब अगर बैंक ने मुझे क्रेडिट करा तो बैंक ने मुझे प्लस करा, मैं अपने पास डेबिट करूंगा. ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आपका डेबिट प्लस होता है, बैंक का क्रेडिट प्लस होता है. आपका क्रेडिट माइनस होता है, बैंक का डेबिट माइनस होता है. सही. इसके बाद नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ BRS. BRS का क्या फॉर्मेट है? सर, इसका फॉर्मेट में कुछ है ही नहीं. सबसे इजी चैप्टर है ये, प्लस माइनस पर्टिकुलर्स
शुरुआत कहाँ से करोगे? आप अपना बैलेंस से देखना शुरू करोगे, है ना? तो मैं शुरुआत करूंगा बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक से शुरू करूंगा। अब अगर कैशबुक का बैलेंस डेबिट हुआ तो प्लस में लिख दूंगा, क्रेडिट हुआ तो माइनस में लिख दूंगा। ये क्वेश्चन बताएगा, ठीक है, कि बैलेंस एज पर कैशबुक प्लस है या माइनस है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा, या ये होगा या ये होगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, फिलहाल लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। सर क्या ऐड होगा? नंबर वन, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये प्लस होगा। और दूसरा, एनी इंक्रीज इन बैंक, बैंक में किसी भी तरीके का पैसा आया तो प्लस होगा। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होगा, और किसी भी तरीके का पैसा आया तो प्लस होगा। माइनस क्या होगा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस होगा। और दूसरा, एनी डिक्रीज इन बैंक, कोई भी बैंक का डिक्रीज भी इधर ही आए, ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? बैलेंस एज पर कैशबुक से। फिर दो चीज़ें प्लस होंगी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, याद रखना, और कोई भी इंक्रीज इन बैंक। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस होगा, और कोई भी डिक्रीज इन बैंक माइनस होगा। अब आपके पास आप लास्ट में बैलेंस निकाल लोगे, वो बैलेंस क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस भी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, फिर आप टोटल कर दो, जस्ट डू टोटल। ये बैलेंस भी कहीं पर भी आ सकता है, फॉर्मेट नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल से देखना कि शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन में लिखा है बैलेंस डेबिट एज पर कैशबुक 10,000, चेक ऑफ रुपीज 1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक ऑफ रुपीज 2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक डेबिटेड रुपीज 50 फॉर बैंक चार्जेस, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 इनटू आवर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 500। देखो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट डाउन कर लो। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊँगा, सॉल्यूशन प्लस और माइनस। क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है जी। अब बैलेंस कौन सा दिया है सर क्वेश्चन में? तो यहाँ पे देखो जैसे मेंशन्ड है डेबिट बैलेंस, अगर मेंशन ना हो, कुछ भी मेंशन ना हो, तो आप प्लस में लिखोगे उसको, ठीक है। यहाँ मेंशन है बैलेंस डेबिट वाला है, तो सर डेबिट वाला कैशबुक का कौन सा होता है? प्लस। 10,000 रुपये का बैलेंस दिया हुआ है, मैंने प्लस में लिख दिया 10,000, ठीक हो गया। उसके बाद आगे लिखा है चेक ऑफ रुपीज 1,000 डिपॉजिटेड,
अब इसको समझना भी है पहले हमें, फिर मैं आपको इसका मतलब भी बता रहा हूँ साथ साथ। देखो आप मान लो कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है, आपको पता दोनों एक ही है, बस ये आप खुद बना रहे हो और ये बैंक बना रहा है, बात एक ही है, दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। अब सपोज कर लो कि इनका बैलेंस जो है वो 5,000 है, मतलब आपके बैंक में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, दोनों बुक्स वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब ध्यान से समझो, चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड, आपने 1,000 रुपये का चेक जमा करा, बेटा आपने जैसे ही चेक जमा करा तो आपने अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा कि हाँ यार मज़ा आ गया, मैंने चेक जमा कर दिया तो मैंने यहाँ पे बैलेंस बढ़ा दिया, 1,000 रुपये बढ़ा दिया, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितने पैसे हो गए, 6,000, लेकिन बैंक के हिसाब से अभी 5,000 ही हैं। अब आगे हुआ क्या, मैंने जमा कर दिया, आगे आ गया नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक ये कलेक्ट ही नहीं हुआ यार पैसा, अभी तक बैंक ने क्लियर ही नहीं करा, मैंने जमा तो कर दिया लेकिन बैंक ने जिसके अकाउंट में से पैसा काटना था अभी तक नहीं काटा, तो यानी कि मैंने अपने पास प्लस तो कर दिया लेकिन एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा प्लस कर दिया या नहीं कर दिया, जब बैंक क्लियर करेगा तभी तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मैंने पहले ही प्लस कर दिया तो ठीक करने के लिए क्या करूं, इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करूं, क्या मैं यहां से 1,000 माइनस कर दूं, अगर मैं यहां से 1,000 फिलहाल माइनस कर दूंगा तो ये भी 5,000 ये भी 5,000 मैच कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, हो गया या नहीं हो गया। तो डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का मतलब क्या है कि आपने चेक जमा कर दिया और आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, तो भाई क्यों जमा करा है, हटाओ ना उसको, माइनस करो। तो हम क्या करते हैं, 1,000 रुपये डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या कलेक्टेड या क्लियर्ड कुछ भी आ सकता है, सही है जी। और मैंने आपको फॉर्मेट में भी चेक करो डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस में लिखवाया। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है सर, अगला है चेक ऑफ ₹2,000 इशूड, इशूड का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना, इशूड का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। फिर से एज्यूम करो, यही ले लो फिगर्स कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, अब हमने 2,000 का चेक किसी को इशू करा है, सर अगर 2,000 का चेक इशू करा तो हम क्या करें, अपने पास से 2,000 का चेक इशू करा तो क्या हम माइनस कर दें, भाई किसी को पेमेंट करा तो माइनस कर दिया होगा, मेरे हिसाब से मेरे खाते में 3,000 है, बैंक के हिसाब से 5,000 है, ठीक है जी पेमेंट कर दिया था हमने, अब हुआ क्या जी, इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका पेमेंट हुआ ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, जिसको चेक दिया था वो चेक लेके घर में बैठ गया, भाई वो बैंक में चेक लेके जाएगा तभी तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा, उसे मैंने चेक दिया उसने अपने पास रख लिया कि अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं लगा लूँगा, तो हमारे पास से तो पेमेंट हो गया लेकिन मेरे खाते से थोड़ी ना पैसा कटा, जब वो चेक लगाएगा तभी तो पैसा कटेगा, तो डिफरेंस आ जाएगा, तो हमने ये जो माइनस करा था अभी कटा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे वापस से प्लस कर देंगे, तो ये भी 5,000 हो जाएगा, ये भी 5,000 हो जाएगा, इसीलिए क्या करा जाता है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस होता है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस होगा 2,000 रुपये, ठीक है जी, ये भी हो गया। चलो बैंक ने हमें डेबिट कर दिया 50 रुपये से फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस ले लिए हमारे से, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, क्या मतलब है सर, देखो जरा पासबुक में डेबिट क्या होता है, पासबुक में डेबिट होता है माइनस, बैंक ने हमारे से पैसा काट लिया कुछ चार्जेस लिए, तो भाई पासबुक में कम हो गया तो मुझे अपने पास भी कम करना चाहिए ना, तभी तो मैच होगा, है ना। तो 50 रुपीज़ के बैंक चार्जेस, लाइक एज्यूम कर लो सपोज कैशबुक और पासबुक, अब मान लो 500 रुपये का बैलेंस, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ बेटा, बैंक ने 50 रुपये काट लिए तो बैंक के हिसाब से 450, मेरे हिसाब से 500 ही है, तो भाई साहब जो बैंक ने पैसा काटा है मुझे भी तो कम करना है अपने पास, तो मैं भी क्या करूँगा अपने पास से माइनस करूँगा 50, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे 50 रुपीज़ किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नेक्स्ट अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 इनटू आवर बैंक, एक कस्टमर ने जमा कर दिए 2,000 मेरे बैंक में, कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 इनटू माय बैंक, मेरे बैंक में 2,000 जमा कर दिए तो बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया होगा तो मुझे भी बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, है ना, जब कस्टमर ने जमा कर दिए बैंक बैलेंस बढ़ गया मैं भी प्लस कर दूंगा, 2,000 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर,
इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। प्लीज मेरी हैंडराइटिंग से बचना थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, बट मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 2000 रुपये प्लस कर दिए, चलो सर। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमें क्रेडिट करा, चलो अपनी कॉपी में चेक करो, बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है मतलब प्लस कर रहा है, बैंक ने 500 का इंटरेस्ट दिया तो हम भी प्लस करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक हो गया। अब क्या करना है सर, अब आपको बस बैलेंस निकालना है बच्चों। बैलेंस देखो डेबिट साइड में 10, 2, 12, 2, 14 और 14, 500, टोटल कितना आ रहा है 14,500। इधर भी 14,500, आपके पास 14,500 में से 1,050 हटा दो। 14,500 माइनस 1,050, 13,450 का बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 13,450। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अब बच्चों एक बात याद रखना, 13,450 ये जो बैलेंस आया है ये पॉजिटिव का बैलेंस है, भले ही ये माइनस में लिखा हुआ है, लेकिन माइनस में इसलिए लिखा है ताकि दोनों साइड मैच हो सके। जैसे सपोज मेरे पास 10 रुपये प्लस में है, 2 रुपये माइनस में है, तो 2 माइनस होने के बाद 8 बचेंगे ना, 8 प्लस के बचते हैं, वो हम इधर इसलिए लिखते हैं ताकि ये दोनों तरफ 10 लिख सकें। तो बैलेंस भले ही इस तरफ आ रहा है लेकिन ये है प्लस का बैलेंस। पासबुक का प्लस क्या होता है, पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट, ये तो कॉन्सेप्ट है। और अगर इनकेस फिर भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस निकाल के जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट है ना उस तरफ का साइन लगाना। बैलेंस निकाला, ज़्यादा तो प्लस में था ना, तो यहाँ पे प्लस का लगाना। पासबुक का प्लस क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। दिस इज हाउ क्वेश्चन होता है BRS का। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 क्लासेस लगेंगी। आज मैंने आपको बेसिक्स कराए हैं, इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। और किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली क्लास में वो कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा, तभी मज़ा आए पढ़ने में। कन्फ्यूजन क्लियर ना हो तो क्या मज़ा। तो ये अच्छे से कर लो, इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आ रहा होगा। BRS हमें अगर बनाना है तो BRS के लिए बस पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस और हेडिंग डाल दूंगा मैं, BRS जिस भी महीने के लिए बना रहा हूँ, फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है जी। सबसे पहले हमें दिया है द बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था कि कैश बुक का डेबिट प्लस होता है क्रेडिट माइनस होता है, और पासबुक का डेबिट माइनस होता है क्रेडिट प्लस होता है, ठीक है। अभी कैश बुक का क्रेडिट दिया हुआ है, कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000 रुपये माइनस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डन। अब क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है बैंक हैज पेड फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹550। बैंक ने 550 का फायर इंश्योरेंस दे दिया, फायर इंश्योरेंस दे दिया तो बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, हमने रिकॉर्ड नहीं करा तो मैच करने के लिए क्या करें, हम भी माइनस कर दें। फायर इंश्योरेंस पे कर दिया 550, एक चीज माइंड में रखो जो बैंक कर रहा है हमें भी वही करना है, 550 हमने भी माइनस कर दिया, फायर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। नेक्स्ट है चेक ऑफ ₹25,000 वर इशूड, हमने चेक 25,000 रुपये के इशू करे हैं। इशू करने का मतलब है बेटा जी पेमेंट करा है, 25,000 के चेक इशू करने का क्या मतलब होता है, हमने पेमेंट करा है। आगे क्या लिखा है, इशूड एंड चेक्स ऑफ ₹21,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसमें से चेक सिर्फ 21,000 के ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। सर इसका क्या मतलब है, देखो एज्यूम कर लो कि आपकी कैशबुक और पासबुक दोनों में 1-1 लाख रुपए, एज्यूम कर लो, ये मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ। अब हमने क्या करा है, चेक इशू करा है, इशू करने का क्या मतलब होता है बच्चे, इशू का मतलब होता है पेमेंट करना, किसी को आपने दिया है,
तो इशू का मतलब होता है पेमेंट करना, अपने माइंड में सेट रखना। हमने पेमेंट करी 25,000 रुपीज की, तो हमने अपने पास से माइनस कर लिया होगा कितना, 25,000। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 75,000 बचे, लेकिन इसमें से जो एक्चुअल पेमेंट हुई है वो सिर्फ कितनी हुई है, चेक ऑफ रुपीज 21,000 वर प्रेजेंटेड। देखो यहाँ पे नॉट प्रेजेंटेड नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है 21 वर प्रेजेंटेड, 21 के प्रेजेंट हो गए। तो सर प्रेजेंट कितने नहीं हुए, ये प्रेजेंट हो गए, चार प्रेजेंट नहीं हुए, वैल्यू क्या आएगी, 79,000। इसका मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 75,000 है, लेकिन बैंक के हिसाब से मेरे बैंक में 79,000 है। हमें वो करना है जो बैंक में हुआ हुआ है, हमें अपनी कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। तो 75 को 79 बनाने के लिए क्या करूं, मैं यहाँ पे प्लस करूँगा 4,000, 4,000 प्लस कर दूँ अगर मैं इसमें, तो 79 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। और अगर आप वैसे भी सोचो, मैंने माइनस करा 25, बैंक ने माइनस करा 21, तो मैंने 4,000 एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है ना, ठीक करने के लिए प्लस कर दूँ वो 4,000, वही 4,000 प्लस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4,000 यहाँ पे प्लस होगा और लिखा जाएगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इस चीज को एक बार दोबारा देख लेना बैक करके, कई बार ध्यान से समझना पड़ता है इसको, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4,000 आ गया, क्योंकि 25 में से 21 के प्रेजेंट हो गए, तो 4,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740 रुपए। अब याद रखना बेटा जी, इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट बैंक ने कहीं से कलेक्ट करा है, हमसे नहीं लिया। हमसे लिया होता तो वो था इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अगर बैंक हमारे खाते में से इंटरेस्ट काटता है तो उसको लिखा होता है इंटरेस्ट चार्ज्ड। कलेक्टेड का मतलब है हमें इंटरेस्ट मिला है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई शेयर है, उस पे इंटरेस्ट आया तो बैंक में ही तो आएगा ना, तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे वो इंटरेस्ट कलेक्ट करा, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। समझे, बैंक बैलेंस बढ़ता है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740 रुपए प्लस करेंगे, इसको लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। चलो सर इसके बाद क्या है, चेक ऑफ रुपीज 9,000 वर डिपॉजिटेड। 9,000 के चेक जमा करे, ऑफ विच 7,000 वर क्लियर्ड। ये लिखा है मैंने क्लियर्ड, थोड़ी हैंडराइटिंग शानदार है ना मेरी बहुत ज्यादा। चेक ऑफ रुपीज 9,000 वर डिपॉजिट जमा करे, जिसमें से सिर्फ 7,000 के क्लियर हुए। यानी हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं फिर से। सपोज कर लो मेरे अकाउंट में 10,000 है, बैंक ने भी 10,000 दिखाए हैं। अब हमने जमा करे 9,000 के चेक, तो हमने तो 9,000 प्लस कर दिया होगा, हमारे हिसाब से तो 19,000 हो गया, लेकिन क्लियर सिर्फ कितने हुए, 7,000। बैंक में सिर्फ कितना प्लस हुआ, 7, तो बैंक के हिसाब से 17 है। अब देखो मैंने 9 करा हुआ है, बैंक ने बस 7 करा हुआ है, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा प्लस करे हुए हैं ना, तो 2 को माइनस करना पड़ेगा। वैसे भी अगर आपको 19 को 17 बनाना हो तो माइनस करोगे ना 2,000, तो माइनस में लिखेंगे 2,000 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या कलेक्टेड या क्रेडिटेड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में 800 रुपये जमा कर दिए। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 800 इन आवर बैंक, हमारे बैंक में 800 जमा करे, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 800, और इसको क्या बोलूंगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब कुछ बच्चों को पिछली क्लास में बैलेंस निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो बेटा कुछ नहीं करना, ज़्यादा वाली साइड कौन सी है ये चेक करो, माइनस वाली साइड ज़्यादा वाली साइड है, 20,550 आ गया, यहाँ पे भी यही लिखो 22,550, इसमें से ये माइनस कर दो 4,740 और 800, तो बैलेंस बचता है 17,010। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और साइन कौन सा वाला लगाना है, ज्यादा वाली साइड वाला,
माइनस वाली साइड बड़ी साइड है ना इसका, तो माइनस कौन सा होता है पासबुक का? पासबुक का माइनस होता है डेबिट, तो आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक हो गया, ऐसे ये क्वेश्चन हमें करने हैं। ऑल राइट, एक और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। क्वेश्चन का तो आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया तो फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ। ये लो, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लेना, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लो जी, इसमें भी हमारे को BRS बनाना है। चलो बनाना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, इस बार लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक लिखा है 2500। बेटा जी, ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो जो ओवरड्राफ्ट आ रहा है 2500, वो हम यहाँ पे माइनस में शो करेंगे। क्या सर, मैं इसको ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक को क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक भी बोल सकता हूँ? हाँ जी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक भी माइनस होता है ना। चलो अब देखो, चेक ऑफ रुपीज 15,000 पेड इनटू बैंक। बच्चे पेड कहीं भी लिखा हो तो समझ जाना डिपॉजिटेड। हमने जमा करा बैंक में 15,000, यानी हमने प्लस कर दिया 15,000, जिसमें से बैंक ने क्रेडिट करे 12,000। ओनली 12,000 वर क्रेडिटेड, ये नहीं लिखा 12,000 वर नॉट क्रेडिटेड, 12,000 हो गए। मैंने प्लस करा 15, बैंक ने प्लस करा 12, तो मैंने 3,000 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है ना, क्योंकि मैंने तो 15 करा, बैंक ने बस 12 करा, तो मैंने 3,000 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है, उसे हटाओ, माइनस करेंगे, 3,000 रुपीज माइनस होंगे। क्या लिखेंगे? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, हमने जमा तो करे थे बट क्रेडिट नहीं हुए अभी तक। चलो, चेक इशूड, इशू का मतलब पेमेंट, इशू का क्या मतलब होता है? पेमेंट। हमने चेक इशू करे 10,000 के, जिसमें से सिर्फ 3,000 के प्रेजेंट हुए हैं, ओनली 3,000 वर प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट हो गए हैं, यानी मैं माइनस कर रहा हूं 10, बैंक से माइनस हो रहे हैं मात्र 3, आप 10 माइनस कर रहे हो, बैंक से माइनस हो रहे हैं जस्ट 3, तो आप 7 एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हो ना, तो उसको क्या करोगे? प्लस कर दोगे, उसको वापस से ऐड कर दोगे, प्लस करोगे 7,000 किस नाम से? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये भी मैंने आपको कल बताया था, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस होता है 7,000। चलो उसके बाद, चेक ऑफ रुपीज 500 डेबिटेड इनटू कैशबुक। सर डेबिट हुआ है कैशबुक में, डेबिट का मतलब प्लस हुआ है, एक 500 का चेक डेबिट हुआ कैशबुक में, बट नॉट सेंड टू बैंक। मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। भाई जब तक मैं बैंक में नहीं भेजूंगा, बैंक बैलेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगा, मेरा पैसा थोड़ी ना आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास चेक आया 500 का, डेबिट हुआ लेकिन बैंक में नहीं भेजा गया, तो मैंने एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है, उसको माइनस कर दो, 500 माइनस कर दो, चेक डेबिटेड बट नॉट सेंड टू बैंक, डेबिट हुआ लेकिन बैंक में नहीं भेजा मैंने इसको, ठीक है। देर इज अ डेबिट ऑफ 50 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक। बेटा पासबुक में डेबिट है, पासबुक का डेबिट क्या होता है सर? पासबुक का डेबिट होता है माइनस, यानी बैंक ने हमारे से कुछ पैसा लिया है। किस चीज का पैसा लिया? 50 रुपीज तो बैंक ने इंटरेस्ट के लिए, और 100 रुपीज बैंक चार्जेस के लिए, हमने वो रिकॉर्ड नहीं करे हुए, तो कर लो 50 रुपीज इंटरेस्ट के और 100 रुपीज बैंक चार्जेस के, 50 रुपीज इंटरेस्ट के, 100 रुपीज बैंक चार्जेस के, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इनटू पासबुक नॉट रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड नहीं करे हुए थे, सेम अब रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद एक कस्टमर ने 3,000 डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिए, कस्टमर ने 3,000 डायरेक्टली जमा कर दिए, तो यहाँ पे प्लस कर दो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, फिर से बैलेंस कैसे निकालना है बच्चों? बड़ा वाला साइड, बड़ा वाला साइड कौन सा है जी इस बार?
इस बार तो बड़ा वाला साइड ये लग रहा है, हाँ यही है, 7 और 3 10, 10,000 इधर भी 10,000, 10,000 में से ये सब माइनस कर दो, 10,000 माइनस 2,500 माइनस 3,000 माइनस 500 माइनस 50 माइनस 100, 3850 बेटा जी बैलेंस आया। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा बैलेंस एज पर पासबुक, और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वाली साइड का, बड़ी वाली साइड प्लस है, तो पासबुक की प्लस वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। आज मैंने आपको BRS का कॉन्सेप्ट भी करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉन्सेप्ट का नाम क्या लिखोगे, व्हेन क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम बैलेंस एज पर पासबुक, जब क्वेश्चन शुरू हो रहा हो बैलेंस एज पर पासबुक से। अभी तक जो मैंने आपको रूल्स बताए, जो आपको क्वेश्चंस बताए, वो कैसे शुरू हो रहे थे, बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक का बैलेंस दिया होता था, फिर हम चीजें करते थे। सर उसमें क्या होता था, उसमें याद करो हम क्या करते थे, सबसे पहले आता था बैलेंस एज पर कैशबुक, जो भी बैलेंस होता था, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में, यानी कैशबुक में हम बेसिकली क्या करते थे, डेबिट वाला प्लस क्रेडिट वाला माइनस, है ना। उसके बाद हम ऐड करते थे मेनली चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लेस करते थे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, उसके अलावा अगर कोई भी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस होता था तो वो बढ़ा देते थे, डिक्रीज होता था तो माइनस कर देते थे। तो आपके पास क्या आता था, बैलेंस एज पर पासबुक। अभी क्या होने वाला है, अभी चीजें चेंज होने वाली हैं, अभी चीजें बदलने वाली हैं। सर क्या बदलेगा, क्वेश्चन यहां से ना शुरू होके क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, तो सर इसका मतलब क्या, क्वेश्चन हम नीचे से शुरू करेंगे, नहीं नहीं भाई साहब, बस इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, यानी कुछ समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन का ऑर्डर ही चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज होने से क्या होता है सर, देखो एक बात बताओ मुझे, सपोज करो आपने कोई बिजनेस में पैसा लगाया शुरू में, बिल्कुल शुरू में बिजनेस में पैसा लगाया, ये चीज मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी पढ़ाई थी, तो उसको क्या बोलते थे, ओपनिंग कैपिटल, उसको क्या बोलते थे हम, ओपनिंग कैपिटल। तो सपोज आपने ओपनिंग कैपिटल लगाया 1,00,000 रुपए, उसके बाद साल के बीच में आपने 20,000 और लगा दिए, उसको बोलते थे एडिशनल कैपिटल, तो वो यहां पे प्लस हो जाता था, प्लस करते थे एडिशनल कैपिटल सपोज 20,000, फिर आपको साल के बीच में प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपए का या 1,20,000 रुपए का, तो आप यहां प्लस करते थे प्रॉफिट कि मुझे प्रॉफिट हो गया 1,20,000 रुपए का, 10,000 आप निकाल के घर ले गए तो उसको आप माइनस कर देते थे, उसको क्या बोलते थे, ड्रॉइंग्स, 10,000 निकाल के घर ले गए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा। सर क्लोजिंग कैपिटल 1,00,000 प्लस 20, 1,20, 1,20 और 1,20 2,40 माइनस 10 2,30, 2,30,000 का क्लोजिंग कैपिटल आएगा सर, आ गया। अब मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग कैपिटल 2,30 है, ठीक है, आप लोग अभी ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे, अब मैं आपको बोलूं कि ये गिवन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 का गिवन नहीं है, ये गायब है, लो इसे गायब कर देते हैं, ये फाइंड आउट करके दिखाओ कि ये कितना आएगा, तो क्या करोगे, अगर ये निकालना हो, अगर आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो क्या करोगे, तो सर अगर मुझे ये फाइंड करना होगा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो मैं ये सब उधर भेज दूंगा, उधर कैसे भेजूं, कि ये माइनस की जगह उधर जाके प्लस, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, तो आपके पास ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ जरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 2,30,000 प्लस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 1,20,000, तो देखो अब क्या हो रहा है, 240 माइनस 140 आंसर इज 1,00,000, 2,40 में से 1,40 गया तो आंसर कितना आ गया, 1,00,000 रुपए आपका आंसर आ गया। तो जो 1,00,000 रुपए आंसर आया यही तो ओपनिंग कैपिटल था,
बट सर डिफरेंस क्या आया? क्वेश्चन इधर से उधर गया है, उधर से इधर आया, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझो, आप पहले एडिशनल कैपिटल को प्लस कर रहे थे, अब वही एडिशनल कैपिटल माइनस हो रहा है। आप पहले प्रॉफिट को प्लस कर रहे थे, अब वही प्रॉफिट माइनस हो रहा है। आप पहले ड्राइंग्स को माइनस कर रहे थे, वही ड्राइंग्स अब प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या सभी ट्रांजेक्शन्स का नेचर बदल गया? सभी ट्रांजेक्शन्स का नेचर चेंज हो गया या नहीं हो गया? वही अब आपको क्वेश्चन में करना है। यानी कि आप जो भी आइटम्स प्लस कर रहे थे वो सभी आइटम्स आप माइनस करोगे, जो भी आइटम्स आप माइनस कर रहे थे वो सभी आइटम्स आप प्लस करोगे, अगर क्वेश्चन कहां से शुरू हो जाए? पासबुक से। समझे? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसके आगे लिख दो ऑल आइटम्स विच वर अर्लियर एडेड will now be subtracted. जो आइटम्स पहले एड हो रही थी वो अब माइनस हो जाएंगी, एंड ऑल आइटम्स विच वर अर्लियर सबट्रैक्टेड will now be added. जो आइटम पहले ऐड हो रही थी वो अब माइनस होगी, जो आइटम पहले माइनस हो रही थी वो अब प्लस होगी, ये आपको आना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस रूल्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। एक्चुअल में रूल्स रिवर्स नहीं हुए हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन रिवर्स हो गया है, तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है। बस जो आप प्लस कर रहे थे वो माइनस करो, जो माइनस कर रहे थे वो प्लस करो। कैसे? सपोज क्वेश्चन आया बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2,000, डायरेक्ट डिपॉजिट by customer 500, check of rupees 1,000 deposited but not yet credited, बैलेंस एज पर पासबुक हो गया, इशूड बट नॉट प्रिंटेड हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर हो गया, चेक ऑफ 1,000 डिपॉजिट बट नॉट, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीज 1,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो अब इसका हमें BRS बनाना है, हम इसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ठीक है, हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक। सर पासबुक का सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ था 10,000, तो प्लस में लिखूं या माइनस में? अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हमेशा प्लस में लिखो, और पासबुक का प्लस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो हमने शुरू करी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है, तो अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो जाए तो जो भी चीज़ें आप प्लस करते थे वो माइनस होंगी, जो भी चीज़ें आप माइनस करते थे वो प्लस होंगी। आप कंफ्यूज मत हो, आप अपने माइंड में वही लेके आओ कि जेन्युइनली क्या होता है, ठीक है? चलो शुरुआत करते। चेक इशूड, हमने किसी को चेक दिया, यानी हमने अपने पास माइनस कर लिया, मैंने चेक दिया तो माइनस कर लिया, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, सामने वाले ने चेक लगाया ही नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है भाई, मैंने माइनस कर लिया, सामने वाले ने चेक लगाया ही नहीं, तो अकाउंट से तो पैसा नहीं कटा,
तो हमें वापस से ऐड करना चाहिए. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हम ऐड करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है तो इस बार माइनस हो जाएगा. बस ऐसे माइंड में रखो. इस बार आपको अपने माइंड में दो चीजें लेके आनी है कि जनरली क्या होता है और अब क्या होगा. अब जस्ट रिवर्स होगा, जनरली प्लस होता है अब माइनस होगा. तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आपने माइनस कर दिया. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 500, एक कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपीज डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए. सर एक कस्टमर ने मेरे बैंक में 500 डिपॉजिट करे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया तो हमें भी बढ़ाना चाहिए. तो हम जनरली इसको प्लस करते हैं, बट अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 500 रुपीज माइनस होगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, यूजुअली प्लस होता है अभी माइनस हो जाएगा. चेक ऑफ रुपीज 1000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. हमने एक चेक जमा करा, हमने अपने पास प्लस कर लिया कि भाई चेक जमा हो गया, बट वो क्रेडिट ही नहीं हुआ. चेक इज डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, यानी बैंक में मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं. मैंने तो डिपॉजिट कर दिया, मैंने अपने पास प्लस भी कर लिया, लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं आया, तो मैंने एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है. क्या करते हैं हम, इसको माइनस करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ तो हम लोग इसको प्लस करेंगे. यस 1000 रुपीज हम यहाँ पे प्लस करेंगे. इम्पैक्ट देखना है बेटा जी, बस. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 1000. बैंक ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1000 रुपए का. बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारा इंश्योरेंस दिया 1000 रुपए का, तो हम माइनस करते हैं. जनरली माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा. तो आप प्लस करोगे 1000, क्योंकि जनरली माइनस होता है, यहाँ प्लस होगा. पेमेंट मेड बाय बैंक बस अब बैलेंस निकाल दो यार. 10,000, 11,000, 12,000, 12,000 में से 2,000 गए, 10,000, 9,500 का बैलेंस आ रहा है और टोटल आ जाएगा आपके पास 12,000. ये जो बैलेंस आया है, ये आपके पास आया बैलेंस एज पर कैश बुक. देखो बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, और बड़े वाले साइड का साइन लगा दो प्लस वाला, तो कैश बुक का प्लस होता है डेबिट, इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो क्या डिफरेंस आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि क्वेश्चन उल्टा शुरू हो रहा है तो आपको रूल्स भी अकॉर्डिंगली रिवर्स कर देने हैं. जो चीज़ प्लस हो रही थी वो अब माइनस होगी, जो चीज़ माइनस हो रही थी वो अब प्लस होगी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो ये चीज़ सबसे पहले माइंड में रखना कि क्वेश्चन शुरू किससे हो रहा है, क्या क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हो रहा है या पासबुक से शुरू हो रहा है. आपको माइंड में वही लेके आना है कि कैश बुक अगर होता तो हम क्या करते. नाउ जस्ट रिवर्स. ओके, तो उम्मीद है मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग.